हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए कौन सा सही होगा, पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर। तो लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मुझे काइन मास्टर चलाना चाहिए या पावर डायरेक्टर चलाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन यूज करने से आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा बन सके और अच्छा आपका वीडियो एडिटिंग बन सके। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सही एप्लीकेशन को चुनिए ताकि आपका वीडियो अच्छा क्वालिटी में बन सके, उसके बाद में आप अपना चैनल में अपलोड कर सके। तो यही मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यूजर आईडी नेम है टेक्निकल संजीव 092, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम काइन मास्टर उसके बाद में पावर डायरेक्टर का अगर कंपेयर करें तो दोस्तों दोनों एप्लीकेशन अपने अपने जगह में सही है। तो दोस्तों, अगर आपको कौन सा एप्लीकेशन चलाना चाहिए और कौन सा आपको चलाना नहीं चाहिए, तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों को ट्रायल कीजिए। आप पावर डायरेक्टर की भी ट्रायल कीजिए, उसके बाद में काइन मास्टर को भी ट्रायल कीजिए। आपको जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप यूज कीजिए। लेकिन अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा तो आप पावर डायरेक्टर या काइन मास्टर आप दोनों यूज करके देखिए, आपको वीडियो एडिटिंग में अच्छा लग रहा है या नहीं, उसको आप ज़रूर एक बार ट्रायल कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दोनों एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाऊंगा, उसका इंटरफेस कैसे देखने को मिलता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन चलाना चाहिए और कौन सा एप्लीकेशन नहीं चलाना चाहिए। जो आपका एप्लीकेशन चलाओगे, जो एप्लीकेशन में आप एडिटिंग करोगे, उसमें आपका वीडियो अच्छी तरीका से बन सके, ऐसा एप्लीकेशन को आप चुनिए ताकि आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा से बन सके, ताकि आपका जो भी वीडियो आपको देखेगा कोई भी, तो आपका वीडियो पर लाइक ज़रूर एक कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पावर डायरेक्टर का एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं उसके लोगो। तो चलिए दोस्तों, इस पावर डायरेक्टर में कौन कौन सा आपको फंक्शन मिल जाएगा और क्या क्या आपको मिलता है, इसमें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं पावर डायरेक्टर को ओपन कर देता हूं। तो दोस्तों, इसके बाद में ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां से आपको सबसे ऊपर में माय प्रोजेक्ट, अब जो जो वीडियो आप बना के रखे हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएगा, उसको री ओपन भी कर सकते हैं। तो हम लोग को न्यू बनाना है तो आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों, आप अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम देना पड़ेगा। अब यहाँ से आप अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में सिलेक्ट कीजिए 16:9 रेशो का। तो चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों, आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर में वीडियो का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इधर जितने भी आपका मोबाइल का फोल्डर है यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ से आप जो फोल्डर में आपका वीडियो है वहाँ से आप चूज़ करके आपका वीडियो को ले जा सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड में फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना फ़ोटो ले जा सकते हैं और कहीं भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, ये आपको खाली बता रहा हूँ आप इसमें क्या क्या फंक्शन मिलता है उसको, और कैसे आपको वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा। तो उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर में आप देख सकते हैं वीडियो टेम्पलेट, यहाँ से आप बहुत सारा टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा न्यू दिखा रहा है तो मैं डाउनलोड नहीं किया हूँ, तो आप डाउनलोड कर लेना इसको। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ चार नंबर में म्यूजिक का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जितना भी फोल्डर मिल जाएगा, आपको मोबाइल का जितना भी फोल्डर है यहाँ से आप आपका जो फोल्डर में आपका सॉन्ग है या म्यूजिक है उसको आप यहाँ से चूज़ करके आप ले जा सकते हैं अपना प्रोजेक्ट में। उसके बाद में आपका वीडियो को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो सिलेक्ट करके दिखाता हूँ वहाँ पर आपको क्या क्या फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो कुछ मैं ले लेता हूँ, एक वीडियो कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे कि चलिए इसको ले लेता हूँ। यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से प्ले कर दीजिए।
तो दोस्तों में उसके बाद में दोस्तों आप इसके ऊपर में वीडियो के ऊपर में सिलेक्ट करेंगे तो आपको पेंसिल का आइकॉन मिल जाएगा यहाँ पर नीचे, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जितने भी आपको फंक्शन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे में। आप क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का, उसके बाद में वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर फंक्शन है आप एक बार इसको देख लीजिए। तो चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो ये कुछ आपको मिल जाएगा पावर डायरेक्टर में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी काइन मास्टर का एप्लीकेशन। तो दोस्तों अभी आपने देखा पावर डायरेक्टर का एप्लीकेशन का जो इंटरफेस कैसे देखने को आपको मिलता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ काइन मास्टर का एप्लीकेशन का जो इंटरफेस कैसे देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दूसरा एप्लीकेशन काइन मास्टर है, इसका लोगो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर देता हूँ, इसके अंदर में आपको क्या क्या फंक्शन मिल जाएगा, क्या क्या इफेक्ट आपको मिलता है। तो चलिए काइन मास्टर ओपन कर देता हूँ। तो उसके बाद में दोस्तों आपको ये पेज आपको ओपन हो जाएगा, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रेशियो सिलेक्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा। आप यहाँ 16:9 का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट आपको ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपका मोबाइल का जितने भी फोल्डर है आपको ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपना वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या फंक्शन मिल जाएगा। तो इसमें भी एक कुछ ले लेता हूँ, तो इसमें चलिए एक ले लेता हूँ यहाँ से राइट। तो दोस्तों उसके बाद में लेयर पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाएगा मीडिया, यानी कि फ़ोटो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर में। उसके बाद में इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये ऑडियो है, ऑडियो के ऊपर में जाएंगे तो आपको यहाँ फोल्डर नीचे देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना जो भी म्यूजिक है उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यही सब कुछ है, इसमें भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा। अगर इसको इसका काइन मास्टर में कैसे एडिटिंग करना है मैं दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा सही तरीका से, बस इसमें आपको बता रहा हूँ कि कौन काइन मास्टर, उसके बाद में पावर डायरेक्टर में आपको कौन कौन सा फंक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको ढेर सारा मिलता है, अगर आप एडिटिंग करोगे तो आपको यहाँ पर एडिटिंग करना भी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप वीडियो देख के समझ चुके होंगे कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन सही होगा, कौन सा एप्लीकेशन से आप अपने वीडियो को अच्छी तरीक़े से एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो आप काइन मास्टर यूज कीजिए, उसमें ज़्यादा आपको फंक्शन मिलता है यूज करने के लिए। तो दोस्तों एक बार ज़रूर दोनों को ट्रायल कीजिए। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों एप्लीकेशन को एक बार यूज कर लेना, आपको कौन सा अच्छा लगेगा उसको आप देख लेना। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों एप्लीकेशन को एक बार चला के देखिए, ये नहीं कि पावर डायरेक्टर अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अपने अपने जगह में वो दोनों एप्लीकेशन सही है, पावर डायरेक्टर भी सही है और काइन मास्टर भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप काइन मास्टर से ही आपका वीडियो को एडिटिंग कीजिए, ताकि आपका जो उसमें जो फंक्शन दिया गया है उसमें पावर डायरेक्टर से ज़्यादा आपको काइन मास्टर में फंक्शन मिल जाएगा। दोस्तों आप दोनों को ट्रायल करके देखिए, आपके लिए कौन सा सही होगा, आप कौन सा एप्लीकेशन से सही एडिटिंग कर सकते हैं, इसको सबसे पहले आप जानिए। अगर आप काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में दोस्तों आप एडिटिंग करना नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपका काइन मास्टर इंस्टॉल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद में आप दोनों एप्लीकेशन से आप अपने वीडियो को एडिटिंग ज़रूर कीजिए, ताकि आपका वीडियो कौन सा एप्लीकेशन से अच्छा तरीक़ा से बन रहा है उसको आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था काइन मास्टर, इसके बाद में पावर डायरेक्टर का बीच में फ़र्क, आपको कौन सा एप्लीकेशन सही लगेगा उसको आप यूज कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही, वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में इतने ही, थैंक यू।